alternative. Fight the fear when I feel like dying. Hello, good morning. Assalamu alaikum, namaste. So, friends, काफी देर के बाद वीडियो डालने लगा हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं मैं वेकेशन पे हूँ इंडिया. कहीं हम निकले हैं आज. आज है 3rd November 2023. सो मेरे साथ है मेरी वाइफ मिस ऐश्वर्या. तो सुबह के 4 बजे हैं, हम लोग अभी अभी घर से निकले हैं, जो कि कल का ही प्लान बन गया था, इसलिए गाड़ी मैंने पेट्रोल वगैरह सब फुल करके रखा था. तो आपके साथ भी शेयर करेंगे वीडियो जम्मू टू श्रीनगर. सो बने रहिए हमारे साथ. श्रीनगर है टोटल यहाँ से 249, 6 hours 37 minutes. सो देखते हैं कितना टाइम लगता है. बाकी मैंने यहाँ पे ट्रिप मीटर वगैरह सब जीरो कर लिया है, तो देखते हैं कितना पेट्रोल लगता है. आपके साथ शेयर करेंगे कितना पेट्रोल है, कितना क्या है, कितना टाइम लगेगा, कितने टोल प्लाजा पड़ेंगे. तो बने रहे. सो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट आने वाले 6-7 दिन. हर रोज़ का एपिसोड मैं डालूंगा, एपिसोड 1 करके एपिसोड 2 करके डालूंगा. तो कुछ ये सोचेंगे कि पता नहीं ब्लॉगिंग के लिए कर रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने लिए. क्या है कि लाइफ टाइम मेमोरी के लिए हमारे साथ रहेगा, बस जस्ट फॉर आवर चॉइस, नॉट फॉर प्रमोशन और नॉट फॉर ब्लॉगिंग. सो सुबह सुबह का टाइम है, देखिए आपको अभी अभी ट्रक ही मिलेंगे और पंजाब रूट की गाड़ियाँ वगैरह. लोकल ट्रांसपोर्ट अभी बंद है, क्योंकि 4 बजे कौन ही जाएगा सुबह. सो चलते हैं आगे, देखते हैं और आपको दिखाते हैं साथ साथ. सोचा था सुबह सुबह गाड़ियाँ वगैरह नहीं मिलेंगी, बट काफ़ी है ट्रक बसेस. और हमारे यहाँ का रोड भी ख़राब ही है. सांबा के आगे पूरा काम चल रहा है NH-44 का, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है आप लोगों को, कोई भी बाहर से आ रहा है तो. अपना आपको कठुआ तक तो अच्छा मिलेगा, कठुआ के आगे रोड काफ़ी ख़राब है, वन वे है. अभी देखो क्या स्पीड है मेरी, 14-15, बस यही चल रहा है कब से. और घर से निकले हुए 30 मिनट हो गए, अभी तक कवर करा है सिर्फ 12 किलोमीटर. आगे तो रोड पूरा मस्त मिलेगा आपको, जैसे आप कचवानी क्रॉस करोगे. कचवानी क्रॉस करने से कचवानी से राइट साइड होके आपको 2 किलोमीटर थोड़ा सा रोड थोड़ा टाइट मिलेगा, उसके आगे हाईवे है, अच्छा है. देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो सेम ऐसा है, मजे से आप 70-80 फॉलो करते हुए जा सकते हो स्पीड को मेंटेन करके हुए. हमारा फर्स्ट टोल आ गया है. ये टोल का नाम पता नहीं क्या है, देखते हैं कितने पैसे कटते हैं, तो बताता हूँ आपको. इस टोल का नाम है, आपको मालूम है कौन सा टोल है? नगरोटा वाला टोल है शायद, नगरोटा. मैडम कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है फिर, क्या कर रही हो आप बिजी हो? फास्ट ट्रैक पे भी लाइन है देख लो, और गाड़ी भी अच्छा दे रही है माइलेज. टोटल कवर कर दिया है घर से अभी तक 55 किलोमीटर, और 16 के एवरेज निकाल रही है गाड़ी, तो मुझे लगता है कि 20 तक आ सकता है एवरेज. और स्पोर्ट्स मोड पे चल रही है, अच्छी एवरेज दे रही है. तो फर्स्ट टर्न में स्वागत है आपका.
सब ना बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके ब्लॉग में देखता था, तो मैं सोचता था मैं कब जाऊंगा। के साथ हमारा 100 किलोमीटर कंप्लीट हुआ। टाइम हो रहा है 6:30, सो थोड़ा थोड़ा दिन भी निकल आया है। रोड अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा रोड है। क्रॉस करते ही रोड का बुरा हाल है भाई, देख लीजिए। देखते हैं आगे कहाँ तक है, कितना किलोमीटर तक है ऐसा है। बट पीछे अच्छा था, अभी खराब हो गया रोड। सिक्स्थ टनल, फर्स्ट वाटरफॉल, झरना वाटरफॉल।
रास्ते में आपको ऐसे मिलेंगे हाईवे नेस्ट में, नहीं आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। गाड़ी का देखो क्या हाल हुआ है, क्या टाइम हुआ है, 9 o'clock 9 AM बनिहाल। मार्केट है यहाँ पे बट काफ़ी क्राउडेड है बनिहाल। और मैडम कैसे चल रहे हैं? बढ़िया चल रहे हैं। कहाँ जा रही हो आप? श्रीनगर कश्मीर। और बस वहीं घूमेंगे। भूख लगी है? नहीं लगी मेरे को तो, लगी है भूख। मैं सोच रहा कुछ खा लो वहीं पे। एक काम करते पानी होने भी ले लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं। ठीक है था 165, सेकंड वाले पे लगा 80 और ये अभी जो क्रॉस करा इस पे लगा है 155। तो आगे दिखाते हैं फिर। यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा नमकीन चाय। देखो अभी इन्होंने रोटी वगैरह सब, नमकीन चाय वगैरह सब रखा हुआ है, तो मुझे तो टेस्ट नहीं लगती है नमकीन चाय, मैं तो दूसरी बनवा रहा हूँ चाय और मैगी। ट्रिप में आओ वैसे करके चाय मट्ठी ना खाओ तो ट्रिप बेकार रहता है, सक्सेसफुल नहीं होता है। बट हाँ क्या मज़ा है। गाड़ी का तो बुरा हाल है सच में। श्रीनगर बहुत ही खूबसूरत है और स्पेशली यहाँ के घर, घर बनाने का स्टाइल देखो। गुलमार्ग 126, बारामूला 110 किलोमीटर, उरी श्रीनगर 70 किलोमीटर। चला ठीक है। और मुझे लगता है कि ये लास्ट टोल है, फोर्थ। अभी है 40 किलोमीटर श्रीनगर और ये टोल एक और आ गया है। देखते हैं कौन सा टोल है। रोड ओवरऑल एक्सपीरियंस में अगर बताऊं तो जम्मू से लेके श्रीनगर का अराउंड 10 किलोमीटर रोड थोड़ा ख़राब होगा, 10 किलोमीटर ख़राब होगा रोड। उसके बाद सेम रोड ऐसा है जैसे एक मक्खन होता है ना, बटर, सेम लाइक बटर, अमूल बटर। और बाकी अच्छा ही है, गाड़ी भी अच्छा कर रही है, एवरेज अच्छा दे रही है, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ से 16 किलोमीटर है श्रीनगर, तो मिलते हैं आपसे फिर श्रीनगर मार्केट लाल चौक में। बाकी रोड, रोड का एक्सपीरियंस बताने के लिए मैं दोबारा शूट वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि रोड बहुत अच्छा है बिल्कुल भी, जैसे मतलब कि आप कहीं भी जाओ, जैसे मनाली जाओ, मनाली में बहुत सारे राउंड हैं, पहाड़ हैं, वैसा कुछ नहीं है, सीधा रोड है और सारा ऐसा है प्लेन एरिया, आगे पीछे ऐसे प्लेन एरिया है। पता ही नहीं चला कि श्रीनगर में आए हैं। ओवरऑल सबसे बोलूँ तो मतलब 10 out of 9 मार्क करूँगा। थोड़ा सा ख़राब है बीच में 10 किलोमीटर। चलो मिलते हैं श्रीनगर में। तो जैसे कि लगता है कि हम श्रीनगर की मार्केट में इंटर कर चुके हैं। अभी जैसे कि आप मेरे लेफ्ट राइट देख सकते हो, मार्केट शुरू हो चुकी है और वाइब्स तो
20 किलोमीटर पीछे से शुरू आने हो गई थी शुरू आना उन्होंने डाल रखा था फेरन वगैरह जो उनका ड्रेस है ट्रेडिशनल है। यहाँ पे मार्केट में आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है देखिए आपके सामने। दिस इज डेथ व्हाई वी आर हियर डल लेक। और जो आपको क्रॉसिंग रहेगा ना हाउस बोट का वो आपको आप राइट करो सर वहीं से हाउस बोट पे दिखाओ ठीक है। तो राइड का कितना लेते हो आप पूरा राइड का? हाँ पूरा राइड हम घुमाते हैं 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट घुमाते हैं 10 पॉइंट ओके। जो मार्केट है अंदर सब कुछ दिखाएंगे उसमें हैदर ब्रिज भी आएगा वो वाला एक साइड से लाएंगे दूसरी साइड से वापस लाएंगे उसमें 10 पॉइंट आएंगे। कितने चार्जेज है उसका? उसका लेते हैं हम 5.5 हज़ार हाँ पूरा राइड का और उसमें मज़ा आना चाहिए। और हाउस बोट भी दिखाएंगे मतलब दो हाउस बोट दिखाएंगे जो आपको पसंद आएगा। तो उसमें कितना टाइम लगता है पूरा 10 पॉइंट घूमने में? 10 पॉइंट में घूमने में कम से कम 2 घंटे लग सकते हैं। 2 घंटे ढाई घंटे मोटर लगाएंगे तो 1.25 घंटे में हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पर रुकने का पॉइंट है ना वो मार्केट में आपको टाइम भी लग सकता है रूम का आपका टाइम फ्री है सर। यहाँ से शुरुआत करेंगे कहाँ से शुरुआत करोगे वहाँ से? यहाँ से शुरुआत करेंगे वो कबूतर खाने से फिर मार्केट इसी रास्ते में आएंगे। मार्केट कहाँ पे है? वो मार्केट है ना वहाँ से स्टार्ट है जल के बैक साइड में है वहाँ से गाड़ी नहीं चलती है सर बैक साइड जल के बैक साइड में है। ओके तो एक साइड से लाएंगे दूसरी साइड से वापस आएंगे। दूसरी साइड से कहाँ से? वो हैदर ब्रिज से। वो हैदर ब्रिज। अच्छा वो हैदर ब्रिज वो लकड़ी वाला ब्रिज है जो पुराना ब्रिज है वाला ब्रिज है ना और आपको सब्जी भी दिखाएंगे हैदर ब्रिज भी दिखाएंगे सब कुछ दिखाएंगे मतलब 10 पॉइंट पूरे दिखाएंगे 10 पॉइंट जो आप जबान दो उसमें आपको मजा आना चाहिए। और हाउस बोट भी दिखाएंगे सर एक दो। तो आपने 5.5 हज़ार तो ज्यादा बोला है पूरे शिकारे में। फ्री में घुमाओ बस। फ्री में कैसे मतलब? सीरियसली कह रहा हूँ। नहीं फ्री में कैसे? फ्री में कैसे घुमा दोगे बताओ? आप काम करने के लिए बैठे हो। कोई बात नहीं आज नहीं कमाएगा तो क्या करेगा। तो ये मुझे यहाँ पे भैया मिले हैं कि ये सभी को फ्री घुमाते हैं। अगर किसी ने घूमना हो तो भैया का नंबर मैं डाल दूंगा तो ये आपको फ्री में घुमा देंगे। क्या नाम है भैया आपका? महराज नाम है इनका। तो मैं नंबर दे दूंगा आपका बाकी लड़के आपको लोग देखेंगे तो आपको फ्री घूमेंगे। देखो यहाँ पे है ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुगल गार्डन निशान। अभी देखते हैं टिकट कहाँ से मिलती है और कितने की मिलती है। तो 1% का टिकट प्राइस है यहाँ पे 25 ईच। अंदर आ गए हैं अभी ऐसे करके डोर अप पुराना यहाँ से अंदर Thank you.
ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा है, अभी तो पानी यहाँ पे कम आ रहा है। मैंने पूछा किसी से, बोल रहे हैं पानी बहुत ऊपर तक जाता है। ये फाउंटेन ऊपर तक जाता है, इतना ऊपर तक जाता है। ओवरऑल अच्छा है, बस फूल ही है आगे पीछे और ज़्यादा बाहर की स्टेट के हैं, टूरिस्ट घूमने के लिए आए हुए हैं। चाय और चॉकलेट? नहीं सर, कश्मीरी कावा। तो इनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी भैया? इनकी मार्केट वैल्यू क्या? तो इस पे आदमी चल सकता है? इस पे आदमी चल सकता है? हाँ, ऊपर चल सकता है, लेकिन एक जगह टिक नहीं सकता। हाँ, मतलब एक ही जगह बैठना नहीं। हाँ, थोड़ा वो भी है, चलते ही मिट्टी भी है और इस जमीन का एक चीज खासियत है इधर। अगर ये दूसरे के पानी में चला जाएगा ना, जमीन उसी का हो जाता है। इसको यहाँ पर उर्दू में चोरी का जमीन बोलते हैं। जैसे ये घर है बीच में? नहीं, ये वो तो पक्का जमीन, ये पक्का जमीन है।
तो ये आगे आगे सब उसी का होगा ना। इसको मार्केट को कौन सा नाम है ये मार्केट का? मीना बाजार बोलते हैं। मीना बाजार। सो आप लोगों को मैं रूम का टूर देना तो भूल गया। हम लोगों ने हाउस बोट भी देखा, बट हाउस बोट आउट ऑफ बजट था थोड़ा। बजट आउट ऑफ बजट भी नहीं कह सकते, बट जितने पैसे वो मांग रहे थे इतने का वो रूम नहीं था, तो इसीलिए ये छोटा सा एक रूम लिया है। इसमें बेड है, सोफ़ा है, खाना भी खा लिया हम लोगों ने, एक स्टडी टेबल है, नेक्स्ट बालकनी से व्यू बहुत अच्छा है। ये सारा सामने डल लेक है, डल लेक, और वो खड़ी है अपनी गाड़ी, डल लेक है सारा। सो अच्छा है ओवरऑल रूम, प्राइस भी कम है। और मैडम क्या हाल है, ठंडा है यहाँ पे? और अभी वॉशरूम भी दिखाता हूँ। ओके वॉशरूम दिखाता हूँ, वॉशरूम भी ठीक है। सो आज का दिन बस ही निकल गया। देखो कल देखते हैं, कल प्लान है पहलगाम, गुलमार्ग, सोनामार्ग। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और कुछ कहना है आपको? नहीं कुछ भी नहीं कहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।